सभी को मेरा नमस्कार। कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित गवार कॉम्प्लेक्स फंडामेंटल और प्राइस आउटलुक वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम आपके स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता गवार कारोबारी श्री कन्हैयालाल चांडक, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के श्री दिनेश सोमानी, पृथ्वी फिनमार्ट के श्री मनोज कुमार जैन और जीसीएल के श्री अमित खरे हैं। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं। एक बात तो वेबिनार हम शुरू करें उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने फेस पेज का भी लिंक यहां पोस्ट किया है। जो व्यक्ति वेबिनार से न जुड़ सके वे आपस में इस लिंक को शेयर करके इस समय लाइव फेस पेज पर भी इस वेबिनार को देख सकते हैं और अपने प्रश्न हमें चैट बॉक्स में ही पोस्ट करें, जिनका सभी पैनलिस्ट जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और अपने फीडबैक से भी हमें अवगत कराएं कि यह वेबिनार आपको कैसी लगी। चलिए हम अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं श्री कन्हैयालाल चांडक जी को आमंत्रित करूंगा कि वे गवार सीड और गवार गम में चल रही मौजूदा उथल पुथल के बारे में बताएं कि यह उथल पुथल सच पर आधारित है या इसमें कोई खेल हुआ है। श्री चांडक जी। चांडक जी आप माइक ऑन करिए, मैंने कर दिया यहां से वैसे। नमस्कार, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए सर। शर्मा जी ऐसी है, ये कोई उथल पुथल वाली बात नहीं है। सालाना देखते हुए क्रॉप के हालात देखते हुए सब किसानों को भी लगता है ये बार अच्छा रहेगा, ये कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। बाकी इसमें कोई साजिश वाजिश नहीं है, ये लोग सब फालतू बातें करें, मीडिया करे साजिश है क्या वो है, इसमें क्या साजिश है। क्रॉप को आज कम से कम खपत है 25 करोड़ बोरी की और फसल है 25 लाख की, 75 लाख का स्टॉक। आखिर तो हर हर आदमी को मालूम है ना कि भाई क्रॉप कम है, इसमें डिमांड रहेगी, तो इसमें क्या साजिश है, कोई साजिश नहीं है इसमें जी। ठीक है हाँ कहिए, कुछ और कह रहे थे कन्हैयालाल जी आप जी, और कुछ कहना चाह रहे थे इसमें आपके शुरुआती नोट में? नहीं, बाकी ये बोलना चाहता हूँ, ये तो लोग फालतू में अफवाह उड़ा रहे हैं ना कि साजिश है, नहीं है, डिमांड अच्छी है, डिमांड में कोई नो डाउट कहने चलता नहीं है। 125 करोड़ की डिमांड रहेगी सालाना डोमेस्टिक और ये एक्सपोर्ट की, और खपत इस साल 125 करोड़ है, 25 लाख की है फसल आएगी और 75 लाख से करोड़ भरी का स्टॉक है। अब भाव से बाहर आएगा माल, उसमें क्या लोग बाल उपाय उड़ाते हैं कि ये साजिश है, क्या साजिश है, इसमें साजिश तो होती है क्या भाव से जी? कोई साजिश अपने स्तर पे चलेगा, भाव ऐसे है, लोग गुमराह करने की कोई बिल्कुल कोशिश नहीं करे, एक गुमराह करने की बात है, ये साजिश है वो बताना बिकाया, कुछ पैसे दे के लेते हैं ना, ये किसान ले जाते हैं तो फ्री का थोड़ा ले जाते हैं, वो सोच समझ के ले जाते हैं। आज 5 लाख पूरी हरियाणा के किसान ले गए हैं मार्केट से माल, तो वो एकदम थैला भर के लाए हैं, पैसा दे के माल ले गए हैं। ठीक है कन्हैयालाल जी, हम आपसे आगे चर्चा जारी रखेंगे। अब मैं पृथ्वी फिनमार्ट के श्री मनोज कुमार जैन जी से आग्रह करूंगा कि गवार कॉम्प्लेक्स में जो उथल पुथल बड़ी तेजी से हुई वह कमोडिटी बाजार के अनुरूप है या प्योर सट्टा नजर आता है? नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये हॉट टॉपिक के ऊपर आज इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए, और सभी लोगों की क्यूरियोसिटी है ग्वार को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं वो शांत होती हुई दिखेगी इस वेबिनार के बाद। और जो रिस्पांस आज देखने को मिला है, हम 100 के नंबर पे पहुंचे हैं वेबिनार के स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही, तो उम्मीद है कि इस वेबिनार का सभी को फायदा मिलेगा। अब सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं फंडामेंटल की, जहां तक चांडक जी भी बात कर रहे थे कि क्रॉप को लेकर के यहाँ पे भारी अनिश्चितता बनी हुई है, जो उठापटक हुई है एक्चुअली जो शुरुआत हुई थी गंवार की, हमने देखा कि जुलाई में 4,000-4,500 की रेंज में काफी समय से ग्वार सीड कंसोलिडेट कर रहा था और एक डायरेक्शन की यहाँ पे जरूरत जो है थी ग्वार सीड और ग्वार गम को। जब मानसून की जो एजेंसी है स्काईमेट, उनकी तरफ से ये खबरें निकल कर आई कि जो पश्चिमी राजस्थान है, जो गुजरात का हिस्सा है, वहां पे इस बार जो बारिश है वो उम्मीद से कम रहेगी, तो जब ये खबरें निकल कर आई कि मानसून कम रहेगा और जो सोइंग है खरीफ की,
वो भी काफी कम है, जैसे कि क्रॉप के नंबर्स जो है, चांडक जी ने भी बताया कि लगभग 25 लाख बोरी जो है रह सकती है, और बाकी भी जो एजेंसी और जानकारों के अनुसार जो क्रॉप के नंबर्स आ रहे हैं लगभग 30 लाख बोरी के आ रहे हैं। नॉर्मल जो क्रॉप होती है वो 1 करोड़ बोरी की होती है, तो लगभग 25 से 30% जो है क्रॉप इस साल रहने वाली है, तो एक बड़ा डेफिसिट यहाँ पे क्रॉप में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो काफी समय से कारोबारी या और भी जो लोग ग्वार को लेकर के एक उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि ग्वार में तेजी कब बनेगी, और जब इस तरह की खबरें निकल कर आई, पहला क्रॉप की शॉर्टेज, दूसरा मानसून की कमी, तो उनको लगा कि यहाँ पे एक तेजी बन सकती है, इसलिए एक यूफोरिया जो है हमने इस कमोडिटी में बनते हुए देखा। जब सभी तरफ बाइंग जो है देखने को मिलती है तो अप्रत्याशित तेजी, चाहे वो कमोडिटी हो या कोई भी असेट क्लास हो, वहां पे देखने को बनती है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे सट्टा एक सीमा तक हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल ये कमोडिटी के काफी मजबूत है। तो एक जो अप्रत्याशित तेजी पिछले 2 सप्ताह में बनी है, मेरा मानना है कि अगले 1 से 2 सप्ताह में जो है ये जो मोमेंटम है वो सेटल होगा, और उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव इस कमोडिटी में लंबे समय के लिए देखने को मिलेगा। जहां तक ग्लोबल फंडामेंटल का सवाल है, मेरा मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें भी लोअर लेवल से काफी अच्छी बढ़त दिखाती हुई नजर आई है। ब्रेंट की कीमतें फिर एक बार $70 के पार निकल गई है, WTI की कीमतें भी $68 के पास में कारोबार कर रही है, तो आगे कच्चे तेल की कीमतें भी जो है मजबूत नहीं रह सकती है। जिस तरह से कल US फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल कर आए कि अमेरिका भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा, तो उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में भी एक बार गिरावट आते हुए देखी है। तो ग्लोबल जो सेंटिमेंट है एग्रीकल्चर कमोडिटीज या दूसरी कमोडिटीज को लेकर के, वो वर्ष 2021-22 के लिए पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कोविड के बाद धीरे धीरे खुल रही है, और यहाँ पे डिमांड जो है वो मजबूत होती हुई आगे दिखेगी। वेदर का जहां तक सवाल है, भारत में ही वेदर डिस्टर्बेंसेस नहीं है, दूसरे जो बड़े कंट्रीज जहां पे जो स्विंग होती है और भी चीजों की, वहां भी वेदर के डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ब्राजील हो या बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो या और भी कंट्रीज हो, तो वेदर के डिस्टर्बेंसेज इस साल काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में ये भारी उठापटक का साल 2021 और 22 रहने वाला है, उसमें ग्वार कोई जो है एक्सेप्शन नहीं है, सारी ही कमोडिटी में हम ये ऐसा उतार चढ़ाव इस साल देखेंगे। शुरुआत में हमने देखा सोयाबीन हो, सोया ऑयल हो, वहां पे बड़ी तेजी बनी, उसके बाद कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक में हमने अच्छी तेजी बनते हुए देखी, अब ग्वार सीड, ग्वार गम और यहाँ पे स्पाइसेस में भी जो है मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे इस तरह की जो मोमेंटम वर्ष 2021-22 में देखने को मिलेगी, एक लिमिट तक यहाँ पे स्पेकुलेटिव मूवमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि जब सभी लोग जो बाइंग की तरफ आ जाते हैं तो वहां पे ऐसा एक यूफोरिया बनता है, लेकिन अगले 1 से 2 सप्ताह में ये जो यूफोरिया है वो सेटल होता हुआ दिखेगा, और एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शनल मूव दोनों ही कमोडिटी में देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि वर्ष 2021-22 के लिए जो फंडामेंटल है दोनों ही कमोडिटी के वो मजबूत है, और यहाँ पे छोटी छोटी गिरावट के बाद एक मजबूत जो है रैली दोनों ही कमोडिटी में लंबे समय के लिए देखने को मिलेगी। तो मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, फंडामेंटल मजबूत है, टेक्निकल चार्ट भी जो है तेजी का इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक यूफोरिक मूव आया है, उसके बाद एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट थोड़ा देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो दोनों कमोडिटी का पॉजिटिव है। जी धन्यवाद मनोज जी, आपने पूरे वैश्विक हालात और भारतीय हालात पे ये बताया कि किस तरह मौसम में जो चेंज हुआ है उसने कमोडिटी बाजार की दिशा और दशा को बदला है और उसकी अहम भूमिका है। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि भारत में काफी जिलों में सूखा है और शायद हो सकता है कि जन्माष्टमी के आसपास हर तरह हर साल की तरह कुछ बारिश हो। लेकिन अब मैं दिनेश सोमानी जी से आग्रह करूंगा कि 1 महीने के अंदर जमीन से आसमान पर पहुंच गया गंवार और गंवार गम, उसमें भी 1 महीने से भी कम समय को अगर ले हम 1 सप्ताह 10 दिन की बात करें तो इतनी जबरदस्त भागम भाग देखने को मिली जो गंवार में आज तक देखने को नहीं मिली थी। क्या टेक्निकल के लिहाज से यह जायज है दिनेश जी? जी नमस्कार कमल जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, बोलतो को भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज का। मैंने कन्हैया लाल जी का काफी नाम सुना है और मैं इनका काफी बड़ा फैन हूँ। इनसे मैंने हूबहू मैंने कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपके माध्यम से आपने इनसे मुझे मिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करूंगा ग्वार सीड और ग्वार गम की। अगर शायद आपको याद रहे, जब डीमोनिटाइजेशन हुआ था तो उस समय
जो एमसीएक्स का गोल्ड का रेट था वो 38,000 39,000 था और फिजिकल में 45,000 से 50,000 गोल्ड बिका था। लोग स्पॉट में एक रश बना लिए थे कि सबको गोल्ड खरीदना है। सेम उसी प्रकार का कंसेप्ट जो है भी ग्वार सीड और ग्वार गम में हमें देखने मिला है। पूरी जो जनता है ये ग्वार सीड इस तरह से खरीदने आई है जैसे ग्वार सीड का माल खत्म ही हो जाएगा। इंग्लिश में इस टर्मिनोलॉजी को हम कन्वीनियंस यील्ड कहते हैं, मतलब जहां स्पॉट में माल की मिलकत बहुत कम होती है और फ्यूचर सस्ता मिलता है। बट ये जो यूफोरिया जो शब्द हमारे मनोज जी ने यूज किया एकदम अप्रोप्रिएट फिट होता है। ये 8 से 10 दिन का जो माहौल था ये माहौल अभी ठंडा हो जाएगा और ये दोबारा स्पॉट प्राइस के साथ में मर्ज हो जाएगा। तो जो तेजी मंदी होती थी, जो मानसिक रूप से जो जो अभी जो उछाल कूदाव आया है, ये अभी एक थोड़ा सा रुक जाएगा, मेरे हिसाब से थम जाएगा। अब मैं इन्वेस्टमेंट या आगे चढ़ाव उतार की बात करूं, मैं टेक्निकल की बात करूं तो 4500 के ऊपर ग्वारशीट 5400 और 5400 क्लोजिंग के ऊपर 6300 रुपए का लक्ष्य कम से कम दिखाई देता था। 6300 का ऊपर का भाव ये समझ लीजिए एग्जैगरेशन हो गया। रिसेंटली अगर वार सीड में निवेश करना हो तो मुझे लगता है अभी भी 5700 5800 का स्तर एकदम अप्रोप्रिएट लेवल है। इसमें दोबारा हम निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई बड़ी तेजी बननी है तो ये 6900 के ऊपर इसको क्लोज होना है। 6900 के ऊपर क्लोज में एक बड़ी मैसिव रैली दोबारा बन सकती है, लेकिन फॉर टाइमिंग अगर 1 महीने की आपने जो हमसे बात किया, हमने जो प्रश्न किया है, 5700 से 6700 ये रेंज इसमें कंटिन्यूस घूमनी चाहिए। जी कमल जी। जी अमित जी, आपसे सवाल है अमित खरे जी की, जिस तरह हमने देखा कमोडिटी बाजारों में लोगों ने दूसरी सभी कमोडिटियों को छोड़ दिया, केवल चारों तरफ पूरे भारत में एक ही अल्लाह था, गंवार गंवार गंवार। आप क्या कहेंगे कि इस तरह का जो अचानक मूवमेंट देखने को मिला, लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिला, और क्या मानते हैं कि वो टेक्निकली लेवल से किस तरह था, यानी वो होना चाहिए था या ये अचानक कोई एक बनी हुई सट्टा प्रवृत्ति है कि जिसने एकदम से बिल्कुल सारे सिनेरियो को चेंज किया? जी कमल जी, थैंक यू। अपन बात कर लेते हैं। देखिए, अपना जो लास्ट वेबिनार था अपन ने किया था वो 4 अगस्त के आसपास किया था, और उस टाइम जो है ग्वार सीड का भाव था 4690 और ग्वार गम का भाव था 7479 7479 के आसपास। उस समय अपना जो डिस्कशन हुआ था कि ग्वार सीड जो है मंथली लेवल पे एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है और ग्वार गम ने भी मंथली लेवल पे 6824 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपने ग्वार सीड के टारगेट आ रहे थे वो 5400 से 5500 तक के आ रहे थे और ग्वार गम के जो टारगेट आ रहे थे वो 8000 से 8500 के आसपास तक के आ रहे थे। लेकिन इसके ऊपर का जो मूवमेंट रहा वो मेरे हिसाब से जो है कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट को देखते हुए या फसल की कमी को देखते हुए लोगों ने बाय किया है यहाँ पे फिजिकल में मार्केट, उस फिजिकल मार्केट को देखते हुए ही एनसीडीएक्स में तेजी हुई है। ऐसा सुनने में आया था कि ग्वार जो है फिजिकल में 8000 और 10000 भी बिक गया है, गम भी लगभग लगभग 13000 14000 के आसपास बिक गया है, तो वो माहौल देखते हुए ही एनसीडीएक्स में ये दो दिन अपर सर्किट लगे थे पिछले बार, और भाव जो है ग्वार सीड का ऊपर में 6768 के आसपास तक बिक गया और ग्वार गम का भाव भी लगभग लगभग 11400 के आसपास तक बिक गया। तो अभी मौजूदा करंट मंथ में ग्वार सीड में हमने देखा कि 55% की तेजी देखने को मिली और ग्वार गम में भी लगभग 67% की तेजी को देखने को मिली। ग्वार ने ऊपर में 6794 और ग्वार गम ने 11424 रुपए का हाई बनाया। अपने जो टारगेट थे, नॉर्मल टारगेट थे, वो 5400 5500 ग्वार के थे और लगभग लगभग 8500 के आसपास तक के गम के थे, लेकिन ये जो तेजी देखने को मिली है उसका रीजन मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में बाइंग जो आंख बंद करके लोगों ने की है फसल की कमी को देखते हुए, वही रीजन है और बाकी मेरे को टेक्निकली ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं लगता है। जी कमल जी। जी धन्यवाद अमित जी। हम पैनल डिस्कशन पे जाएं उससे पहले कुछ गवार को फंडामेंटल को लेकर के मैं भी कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई खबरें आई कि अमेरिका में सैंपल पास हो गए और अब ये 35,000 रुपए बिकेगा। कुछ ग्रुपों में बात आई किसानों के लिए कि गंवार को न बेचे, ये 20,000 रुपए क्विंटल बिक सकता है। 2-3 मंडियों में खबरें आई कि गंवार की ढेरियां 12,000 रुपए क्विंटल तक बिकी या बिकवाई गई एक प्लान के तहत। हो सकता है, ये कोई असंभव नहीं है, इस तरह की चीजें होती है बाजारों में। बाद में ये खरीदार गायब हो गए, जबकि आपको बता दें कि अमेरिका में कोई सैंपल पास नहीं हुए। यह कुछ लोगों का षड्यंत्र था अपनी फंसी पोजीशन से निकलने का,
अकाल के नाम पर गंवार की भारी कमी बताकर इस फैलाए गए माया जाल में करोड़ों के सौदे हुए और गोदामों में पड़ा गंवार और गम किसानों के घर पहुंच गया, छोटे निवेशकों के घरों में भी चला गया, जबकि किसी ने यह नहीं सोचा कि गंवार गम का कोई भी आयातक देश जो इंपोर्ट करता है उसमें अमेरिका शामिल है। सबसे बड़ा भारतीय भारत के लिए बायर अमेरिका है, लेकिन इस तरह के अंट शंट भाव पर कोई भी कतई खरीद नहीं करेगा। आप यह समझ लीजिए, अमेरिका हो या भारत, बांग्लादेश हो या अफ्रीका, हर जगह मिट्टी के चूल्हे ही जलते हैं। सब तरह अपने ही व्यक्ति हैं, ठीक है, किसी की कमाई डॉलर में और किसी की रुपए में। न अमेरिका ऐसी खरीद करेगा, न जर्मनी, न रूस, न ब्राजील, न चीन। गंवार गम का निर्यात हमने देखा पिछले कुछ सालों में घटा था, लेकिन अब इसमें एक स्थिरता आई है, थोड़ा सुधार आया है, और निर्यात में भी उस समय इस तरह के भावों के भागने से खरीदार भी सतर्क हो जाता है। वो भी सोचता है कि अचानक यहाँ पर एक एक घंटे में हजार हजार रुपए बढ़ रहे हैं, तो मैं बाई करूं या न करूं ऑर्डर के लिए। एक और यहाँ टेक्निकल बात है, जो मैंने गंवार गम फैक्ट्रियों से बात करी, जो पाउडर प्लांट भी है, उनका कहना था कि अमेरिका में लंबे समय से चीन से आ रहा सिल्क वाटर बड़े पैमाने पर उपयोग में हो रहा है। चीन अपने इस प्रोडक्ट को 3 साल के लिए एक ही फिक्स दाम पर बेचता है, और हमारे यहाँ गंवार गम के भाव मिनट मिनट में भी बदल जाते हैं। अब यदि ये तेल कंपनियां ड्रिलिंग में सिल्क वाटर छोड़कर गंवार गम को यूज करे, तो सबसे पहले उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करना होगा। जैसे हम पेट्रोल की कार चलाते हैं और डीजल सस्ता हो जाए तो डीजल डालकर कार नहीं चला सकते, उसका इंजन बदलना पड़ेगा, डीजल का इंजन लगवाना पड़ेगा, तब वे कार हम यूज में ले सकते हैं। उसी तरह अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो डीजल इंजन को हटा करके पेट्रोल इंजन लगवाना पड़ेगा। इन कंपनियों का यह कहना कि टेक्नोलॉजी बदलने में पैसा खर्च होता है, गंवार गम के भाव में यदि इस तरह की अप्रत्याशित तेजी आती है तो क्यों आयातक देश अपनी टेक्नोलॉजी बदलेंगे, वे सिल्क वाटर से अपना काम चला लेंगे। दूसरे का ये ऑप्शन है, जो ऑयल थिकनर का काम करते हैं उन्हें आजमाएंगे। फूड सेक्टर के अंदर गंवार गम की जगह दूसरे विकल्प अब इस्तेमाल होने लगे हैं। यदि हम ये बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार ने 17 अगस्त तक के डेटा दिए हैं, जिसके अनुसार 20,12,450 हेक्टर में गंवार की बुआई हुई है। लास्ट ईयर ये 23,89,000 यानी आप 90,000 के करीब माने कि 23,90,000 हेक्टर में बुआई हुई थी, और लक्ष्य था 26,00,000 हेक्टर। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर 23 अगस्त तक 1,08,000 हेक्टर में बुआई हुई है, लास्ट ईयर ये 1,09,000 हेक्टर में बुआई थी, यानी गुजरात में बुआई लगभग लगभग समान जैसी है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा। राजस्थान में बहुत बड़ा अंतर हुआ है, और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले साल 1,43,000 हेक्टर में बुआई हुई थी, लेकिन इस बार जो किसानों से बात हुई है, क्योंकि वहां की हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने डेटा जारी नहीं किया है, उनके अनुसार ये लगभग 85,000 हेक्टर में बुआई हुई है। अब एक अन्य पहलू देखें मौसम का, तो मौसम विभाग पर भरोसा करें, क्योंकि पहले जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणियां करी है वो सही नहीं गई है। तो इस महीने के अंत या सितंबर शुरुआत में बारिश होने की संभावना है। यदि यह बारिश होती है तो ये देखना होगा कि बारिश कैसी होती है, मौजूदा फसल को कितना लाभ होता है या नहीं। हालांकि एक बात साफ है कि बुआई अब नहीं हो सकती, नहीं। गंवार उत्पादन के बारे में इस समय कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, सितंबर अंतिम सप्ताह में इसका आकलन करना उचित होगा। अभी केवल कयास फासी से ज्यादा कुछ नहीं है कि गंवार का उत्पादन इतना हो सकता है, गंवार का उत्पादन उतना हो सकता है। हर व्यक्ति की अपनी बैलेंस शीट है, हर व्यक्ति के अपने अनुमान है, जो इस समय सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन हमें फसल का सही आकलन करना हो तो सितंबर तक, लास्ट सप्ताह तक इंतजार कर लेना चाहिए। अंतिम बात जो मेरी है कि ताजा यह हाल रहा कि कुछ तत्वों ने ऐसी कोशिश करी और एक माया जाल खड़ा कर लोगों को फंसाने जैसा भी काम किया कि गंवार की पैदावार और गम की सामान्य मांग को देखते हुए इसके भाव बढ़ने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह 100 मीटर की फर्राटा दौड़ लगी ओलंपिक में लगती है उस तरह वो भाव जायज नहीं है। हालांकि गंवार सीड का जो भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल या इससे नीचे था
वह भी जायज नहीं था। किसान की तो उस भाव पर लागत ही नहीं निकलती, ऐसे में गवार की प्राइस बढ़ने चाहिए, लेकिन जिस तरह ताजा हाल है वह घातक भी है। अब हम गवार गम और गवार मिल के निर्यात डेटा पे नजर डालें, जो साफ साफ बताता है कि मांग सामान्य है, असामान्य कुछ नहीं है, कोई 9 लाख 7 लाख टन की जो बातें आ रही है अमेरिका से वैसा कुछ नहीं है। वहां पर पूरी ये सोशल मीडिया में प्लांटेड खबर थी। गवार गम का निर्यात अगर हम देखें अगस्त महीने में, करंट महीने के अंदर यह 15,000 टन जाने की उम्मीद है, जो गवार गम की फैक्ट्रियों के डेटा है। सितंबर में इन फैक्ट्रियों का आकलन है कि यह निर्यात बढ़कर के 17,000 टन पहुंच सकता है। जुलाई की बात करूं मैं, पिछले महीने बिल्कुल जहां से एक तेजी शुरू हुई थी उसमें गवार गम का निर्यात 18,948 टन रहा, जो जुलाई 2020 में 16,044 टन था, यानी 18% की बढ़ोतरी हुई। करंट फाइनेंशियल ईयर के बाकी महीनों को हम देख लें तो अप्रैल में 133% बढ़कर ये 8,354 टन के मुकाबले 19,455 टन रहा। मई में गवार गम का निर्यात 26% बढ़ा और मई 2020 में था ये 17,043, उसके सामने 21,457 टन गया। लास्ट हम बात करें जून की, तो जून में 48% का इजाफा हुआ था और ये 22,324 टन पहुंचा, जो कि जून 2020 में 15,110 टन मात्र था। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि गवार गम की निर्यात मांग अगस्त और सितंबर महीने में भी सामान्य रहने की उम्मीद है, यानी 15,000 टन और 17,000 टन। अब इन कंपनियों का यह कहना था कि गवार के भाव जिस तरह बढ़े हैं, बढ़ने चाहिए भाव, लेकिन जिस तरह डबल ट्रिपल हुए हैं उस पर गवार गम की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, हो सकता है कि उन्हें आयातक देशों से ऑर्डर में कटौती देखने को मिले या आयातक देश अपने ऑर्डर को आगे ले जाने के लिए सस्पेंड करे। अब लास्ट बात है गवार मील की, जो कोरमा है, इसकी अगस्त महीने में 8,500 टन निर्यात रहने की उम्मीद है, जो सितंबर में घट करके 7,500 टन रह सकता है, यह भी प्राइस की वजह से। हालांकि अगस्त 2020 की तुलना में 41% और सितंबर 2020 की तुलना में 39% की वृद्धि होगी। अप्रैल के अंदर 9,541 टन गवार मील गया था, जो कि 2020 के अंदर 4,305 टन था, और अप्रैल 2021 के अंदर यह 9,541 टन गया, यानी 122% की जोरदार वृद्धि। मई के अंदर गवार मील का निर्यात 51% बढ़ा और यह 7,445 टन गया। जून में 32% बढ़ा और 7,702 टन गया, और जुलाई में 49% बढ़ा गवार मील का निर्यात और यह 11,501 टन गया, जो कि जुलाई 2020 में 7,693 टन मात्र था। अब मैं अपनी बात को समापन करूंगा और पैनल डिस्कशन पे आएंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि कारोबार में जब तक डर हावी है कि बाजार टूट ना जाए, ये डर बना हुआ रहता मन में, तब तक आप बेहतर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जब लालच हावी हो जाता है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, बाजार ऐसे ही भागेगा, बाजार में बिल्कुल बिंदास होके काम करो। मैं देखता हूं कि सोमानी जी, अमित खरे जी, मनोज जी हमेशा कहते हैं स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन इस अंधाधुंध दौड़ में लोगों ने कहा स्टॉप लॉस मत लगाओ, और उसके बाद हमने देखा कि बाजार उल्टे भी हुए। तो जब लालच हावी हो जाता है तो रकम खोने के चांस भी उतने ही बढ़ते जाते हैं जितना आपका लालच बढ़ता जाता है। अतः सचेत रहें, सोशल मीडिया पे आने वाली खबरों की जांच करें, सविवेक से काम लें, और गवार में जिस तरह खरीदने की भगदड़ मची है उससे एक बार जरूर बचे। अब मैं पैनल डिस्कशन पे आ रहा हूं और मेरा पहला प्रश्न कन्हैयालाल जी चांडक से है। एक विशेषता है मैं जरूर बताना चाहूंगा शुरुआत प्रश्न लेने से पहले, कि कन्हैयालाल जी छुट्टी के दिन या रात में गवार गम की रंगत देते हैं और उसकी नजर हिंदुस्तान की हर एक फैक्ट्री, कारोबारी, ब्रोकर और ट्रेडर की रहती है कि कन्हैयालाल जी चांडक का सादर जय श्री कृष्ण के साथ लिखी हुई बात आने पर हम उसे देखें
और जहां तक हमें पता है उन रेट को ट्रांसफर ट्रांसलेशन करके और फॉरेन कंपनियां भी देखती है कि रंगत क्या चल रही है। तो रंगत के खिलाड़ी चांडक जी से मेरा प्रश्न है कि अब गंवार सीड और गंवार गम में आने वाले दिनों में किस तरह की उथल पथल होती आपको दिख रही है चांडक जी? जी सुनो जी, हाँ कहिए सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी? हेलो सर, आवाज आ रही है, बोलिए चांडक जी आप। शर्मा जी अपना तो एक ही बात है, 100 बात की एक बात है, ग्रोथ 25 लाख, डिमांड 1.25 करोड़ की और फिर स्टॉक करोड़ का, मतलब 1.25 करोड़ का सामान है, 1.25 करोड़ की खपत है। आप भाव से माल निकलाओगे भाव से आएगा, किसी का किसान का हो चाहे व्यापारी का हो, अब वो माल घबराहट में टूटने वाला सब गया है। बाजार अच्छा रहेगा, नो डाउट कहने की जरूरत नहीं है, कोई भ्रमित नहीं है, कोई मीडिया सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है, बाजार सबसे अच्छा रहेगा। हेलो, बाजार बहुत बढ़िया रहेगा। बार कम स्टॉक रखने वाले का 2021-22 में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है चांडक जी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक महीने पहले 4,000 रुपए में गंवार खरीदने को कोई तैयार नहीं था और 12,000 में डेहरियां बिक रही थी, खरीद रहे थे लोग दौड़ दौड़ के, भाव बढ़ा बढ़ा के, ऐसा क्या हुआ एक महीने में चमत्कार? चमत्कार नहीं है शर्मा जी, ये 4,000 रुपए भाव नाचा चबा के बैठे थे, ये ऑपरेटर की सब ऑपरेटिंग थी, चाल थी, और कुछ नहीं है। भाव इसके नॉर्मली भाव ग्वार के 5,000 रुपए और कम के 10,000 होने चाहिए, सब लोगों को 10 साल से लोगों की कमर टूटी, इसलिए लोग हैरान परेशान होकर माल सब बेच दिया है। अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, माल जिसको पास है हिसाब से माल हाजिर रखना चाहिए, सट्टा नहीं करना चाहिए, सट्टा करेंगे तो लोगों को और मरेंगे, इसलिए हाजिर माल रखना चाहिए। इस साल 2021-22 में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा नहीं कैस्टर और ग्वार गम पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, इतना बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अच्छा चांडक जी एक सवाल ये है कि क्या इस तरह के सट्टे पे लगाम लगनी चाहिए, हर घंटे 1,000 रुपए का उछाल, ऐसी क्या डिमांड आ गई कि हर घंटे में 1,000 रुपए बढ़ रहा मार्केट? सट्टा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सट्टे से दूरी रखनी चाहिए, बिल्कुल हाजिर माल जो है सट्टा के हिसाब से रखो। गम आज भी 9,000 रुपए भाव है, वो एकदम बॉटम भाव है, सालाना देखते हुए क्रॉप देखते हुए 9 से 10,000 रुपए भाव बिल्कुल बॉटम भाव है, इस भाव का मुद्दा बिल्कुल लगता नहीं है जी, सट्टे में लगाव लगना चाहिए। चांडक जी अब एक सवाल है जिस पे पूरे देश की नजर है, इस वेबिनार में उपस्थित हर व्यक्ति की नजर है कि गंवार सीड और गंवार गम किस भाव पर खरीदना चाहिए या बेचकर मुनाफा कमा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए बिल्कुल साफ साफ बता दीजिए। हाजर ग्वार 5,500 रुपए और गम 9,000 रुपए का 5,500 रुपए लेना चाहिए जी, कोई इसमें अड़ाव नहीं है, 5,500 रुपए का हाजर ग्वार और 9,000 रुपए का गम अच्छा रिटर्न देगा। सट्टे के हम बिल्कुल खिलाफ है, सट्टेबाजी बंद होनी चाहिए, सट्टे वाले सब है ना पब्लिक हाजिर व्यापार खराब करते हैं। बाकी ये 5,000-5,500 रुपए का ग्वार आज के टाइम में आप सालाना देखते हुए फसल देखते हुए और 9,000 का गम स्टॉक के हिसाब से रखना चाहिए जी। धन्यवाद कन्यालाल जी, हम आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अब मैं टेक्निकल पहलू पे आता हूँ जिसमें मनोज जी से पहला प्रश्न है कि एक झटके में गंवार सीड और गंवार गम में सीधा तेज उछाल आया फिर सीधी गिरावट, आप किस तरह देखते हैं इस घटना को? जैसा कि आपने चांडक जी से भी पूछा था कि ऐसा क्या हुआ कि एक एक घंटे में 1,000 की तेजी मत दी, अभी हम पिछले 2 साल से जो पूरा विश्व जो पीड़ित है कोविड से, हमने देखा था कि जब सेकेंड वेव आया था और लोगों को पता चला कि इसके ट्रीटमेंट के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, तो जो लोग बीमार नहीं थे या जिनके घर में लोग बीमार नहीं थे उन्होंने भी रेमडेसिविर का जो है इंजेक्शन का स्टॉक करना शुरू कर दिया। तो वैसी ही कुछ चीज अभी पिछले 1 महीने में गंवार सीड और गंवार गम के साथ हुई है, मतलब लोगों ने उसको एक तरह से रेमडेसिविर समझ लिया कि बस अपने को यही चाहिए, तो जब इस तरह की भागम भाग मची तो हमने ऐसी उठापटक जो है गंवार सीड और गंवार गम की कीमतों में आते हुए देखी। लेकिन टेक्निकल पहलू की अगर बात करें तो हमने देखा है कि लंबा कंसोलिडेशन लगभग 3-4 साल से जो है कीमतें काफी दबी हुई थी, चाहे वो व्यापारी हो किसान हो या और भी जो ट्रेड से जुड़े हुए लोग हो इंडस्ट्री वाले हो, वो सब हैरान थे
क्योंकि कीमतें जो है वो उसकी एक जो मिनिमम जो प्राइस होनी चाहिए जहां किसान की लागत निकलती है उसको एक मिनिमम मुनाफा मिलना चाहिए या व्यापारी को भी एक मिनिमम मुनाफा मिलना चाहिए, तो उन रेटों से काफी नीचे जो है ग्वार पिछले 3-4 साल से ट्रेड हो रहा था। अब अगर इसकी फेयर प्राइस की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि 5,000 से 5,500 की रेंज में ग्वार का जो प्राइस है वो एक फेयर प्राइस रहना चाहिए, और वहीं गम की अगर बात करें तो वो 9,000 से 10,000 के बीच में ग्वार का जो प्राइस है वो एक रीजनेबल रहना चाहिए। अब टेक्निकल अगर पहलू की मैं बात करूं तो ग्वार सीड में अब 5,100 का जो लेवल है टेक्निकली वो क्लोजिंग बेसिस पर काफी स्ट्रांग जो है सपोर्ट रहेगा। 5,100 के नीचे के भाव मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर 5,100 के नीचे अगर भाव फिसलते हैं तो फिर यहाँ एक मद्दी की संभावना बनेगी। लेने के हिसाब से जो लेवल से वो 5,550 टेक्निकली काफी अच्छे लेवल्स गंवार सीट के चार्ट पे दिखते हैं। 5,550 के आसपास अगर गंवार सीट के भाव आते हैं तो वो खरीदारी के लिहाज से काफी अच्छे लेवल होंगे। ऊपर में यहाँ 6,300-6,400 ये एक स्ट्रांग जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर इन लेवल के ऊपर अगर कीमतें निकलेगी तो फिर हो सकता है कि 7,000 के भाव भी देखने को मिले। वहीं अगर गंवार गम की बात करूं तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 8,800 के जो लेवल है वो टेक्निकल चार्ट पे काफी अच्छे लगते हैं। ऊपर में 10,400 पर यहाँ एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। नई जो बढ़त है वो 10,400 के ऊपर अगर कीमतें बंद भाव पे जो है सस्टेन होनी शुरू करेगी तो फिर एक नई तेजी 10,400 के ऊपर देखने को मिलेगी। शॉर्ट मेरा मानना है कि ग्वार गम में 8,800 नीचे 10,400 ऊपर यह एक रेंज जो है देखने को मिल सकती है। जी धन्यवाद मनोज जी, और मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि यहाँ पर अपने व्यू के लिए बहुत फेमस है भुज के कारोबारी निखिल बोरा जी, उनको अभी मैंने देखा कि वो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। पिछली बार भी उनको आना था लेकिन कोई एक घटना घट जाने की वजह से वे हमारे साथ जुड़ नहीं पाए थे। मैं निखिल भाई आपका स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं समय निकालकर, और आप हाजिर के व्यापारी हैं। आपका मैं व्यू गवार और गवार गम के लिए यहाँ लेना चाहूंगा, उसके बाद हम दिनेश जी और अमित खरे जी से यह चर्चा जारी रखेंगे, मनोज जी भी रहेंगे और कन्यालाल जी से भी चर्चा होगी। लेकिन निखिल जी, आप गवार गम और गवार सीड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपका टेक्निकल व्यू है, क्या फंडामेंटल व्यू है, जरूर अवगत कराएं। श्री निखिल जी नमस्कार। कमल जी मुल्कम से तो हम जुड़े हुए ही हैं कब से, कई बार हो जाता है कि नहीं जुड़ सके कोई वेबिनार में, पिछले वेबिनार में, लेकिन इस वेबिनार में दिनेश जी सोमानी, अमित जी खरे, कन्हैयालाल चांडक जैसे लोगों को सुनने की इच्छा थी इसलिए जुड़ गया। चलो मैं कुछ तैयार करके तो नहीं आया हूँ, आज ऑडियंस के तौर पर जुड़ा हूँ, फिर भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया तो इसके लिए धन्यवाद आपका फिर से। अब बात रही ग्वार की, तो जैसे 2 अक्टूबर को ग्वार सेमिनार वेबिनार हुआ था एथनिक ग्रुप का पिछले 2 अक्टूबर, जिसमें मैंने पूरे साल के लिए जो लेवल दिए थे 3770 से 6,400 तक के भाव का अनुमान लगाया था, वो प्राइस रेंज पूरे साल की थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आने वाला सितंबर महीना साइडवेज का रह सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर नीचे होता रहेगा, साइडवेज करेक्शन भी मान सकते हैं, टाइम करेक्शन भी मान सकते हैं। अगला व्यू अक्टूबर की नई क्रॉप के बाद जो बन के निकल के आएगा वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी फिलहाल इस समय 5,570 का बेस प्राइस सपोर्ट लग रहा है मुझे ग्वार में, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो इसमें सावधान रहना चाहिए, ऑल ओवर मेरा मन इसमें बुलिश का ही है। जी गम के लिए क्या व्यू है निखिल भाई आपका? गम के लिए 9,330 क्लोजिंग बेस एक अच्छा सपोर्ट है, अगर उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो थोड़ा दबाव बाजार में देखने को मिल सकता है। ऊपर तो भाव गम है, कुछ भी हो सकता है, मैं पिछली बार भी सेमिनार में बोला था कि ये तेजी का साल है तो इसमें मोमेंटम के साथ बने रहिए। ऊपर के कोई भाव निकालना इसका मतलब ये होता है कि कई बार हम बायस्ड हो जाते हैं, वो भाव पर एग्जिट कर जाते हैं, फिर चढ़ नहीं पाते, बाजार के साथ जुड़ा रहना, मोमेंटम के साथ जुड़ा रहना चाहिए। मेरे ख्याल से गम का भाव 12,400 के आसपास का गम का एक अच्छा टारगेट मैं मानता हूं। जी धन्यवाद निखिल भाई, आपने बहुत ही वैल्यूएबल अपने व्यू दिए और उम्मीद है
कि सभी ट्रेडर्स इनका भी लाभ लेंगे। अब सवाल है दिनेश जी से कि दिनेश जी, गंवार कॉम्प्लेक्स में जो ताजा घटनाक्रम हुआ उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि इनमें एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, दोनों में, गंवार में और गंवार कम में? दिनेश जी बिल्कुल कमल जी, 4000 की गुआर 6800 रुपए ही और 6000 का गम 11300 हुआ है। बहुत जैसी एबनॉर्मल चीज मैं इसलिए भी नहीं कहूंगा क्योंकि बाकी सारी कमोडिटीज हमने डबल होती हुई देखी है, तो अभी ये डबल हुआ नहीं है तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल तेजी में से नहीं मानूंगा। लेकिन यूफोरिया जो क्रिएट हुआ था वो कुछ शांत हो जाएगा, जैसे निखिल भाई ने कहा, मनोज जी ने कहा, एक कंसोलिडेशन फेज बनेगा अभी ये सितंबर में। मुझे लगता है नीचे में 5700 और 5660 ये कोई भी रेंज में अगर ग्वार मिलता है तो उसको खरीद करके रखना चाहिए। और अब दोबारा हुआ, ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चलेगी, इसमें 5700 से 6600 की रेंज ग्वार सीड में चलती रहेगी। और कल अगर 6000 के आसपास की ग्वार मिलता है तो आप उसको 5850 की स्टॉप लॉस से 6300-6400 के लक्ष्य देख सकते हैं। ये मैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म वालों ने 5700 के आसपास कहीं भी खरीद करे, दोबारा 6700-6600 के रेट देखने को मिलेंगे। 6900 के ऊपर अगर ग्वार क्लोज करता है तो इसका फाइनल टारगेट 8800 तक का बन सकता है। जी गम ऑन दी अदर साइड, गम मुझे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मंदा लगता है। मुझे लगता है कल गम अगर 103 मतलब 10300 10400 के आसपास की के लेवल देखने मिले तो एक शॉर्ट सेल बनता है उसमें। नीचे के मेरे लक्ष्य ग्वार में बनने चाहिए 9200 अगर कहीं गम मिलता है तो ये दोबारा, जैसे चांडे जी ने कहा कि 9000 का गम लेना बनता है, मुझे लगता है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट लेवल है। 9200 का गम आप खरीद करके रखे, अपसाइड पोटेंशियल 13400 तक का आपने को देखने मिल सकता है। और मुझे लगता है 84 के नीचे ऐसी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ओवरऑल मेरे टारगेट अभी भी बुलिश है, 92 के आसपास गम खरीदे, 5700 के आसपास ग्वार खरीदे, अपसाइड इज ओपन। धन्यवाद कमल जी। अमित जी आपसे सवाल है कि गंवार सीड और गंवार गम के चार्ट पर क्या पहले से इस तरह के संकेत दिख रहे थे कि जुलाई से अब तक 65-70% तक इनमें वृद्धि आ जाएगी? आज करंट चार्ट को अगर हम देखें तो अब क्या सिचुएशन आपको दिखाई देती है अमित खरे जी? अमित जी हाँ जी सर, हाँ कहिए। क्या हाँ। आपको पहले चार्ट में दिख रहा था कि जुलाई में कि 65-70% तक का उछाल आएगा, या अब जो हम स्थिति करें आज के चार्ट को देखें जो कल क्लोज हुआ है, जो कल चार्ट बना है, उसमें आपको अब क्या दिखाई देता है कि किस तरह की स्थिति हो सकती है? जी कमल सर, देखिए 4450 का लेवल ग्वार सीड का एक ऐसा लेवल था कमल सर, जिसका कि हम जो है पिछले अक्टूबर जो कि वायदा एथनिक ग्रुप का एक वेबिनार भी हुआ था 2 अक्टूबर को, उसमें भी मैंने वो लेवल डिस्कस किया था और अपने पिछले वेबिनार में भी हमने वही 4450 के लेवल का डिस्कशन किया था कि इसके ऊपर निकलने पे ग्वार सीड का जो है हेड एंड शोल्डर का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट जो है 5400-5500 रुपये होता है। तो मेरे को लगता था कि 5400-5500 के आसपास इसमें कहीं ना कहीं टॉप बन सकता था, सेम 8500 के आसपास गम का। इतनी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं थी, बड़ी तेजी की जो मेन वजह है जैसा कि आपने भी बताया कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज घूम रहा था कि अमेरिका और कनाडा जर्मनी को 7,00,000 टन ग्वार गम की आवश्यकता है, तो उसी के चक्कर में ये सोशल मीडिया का ही एक मेन रोल रहा है जिसके चलते फिजिकल में भी मार्केट 12,000 बिक गया और गम लगभग 13,000-14,000 तक बिक गया। बाकी फिजिकल और एनसीडीएक्स का जो गैप था वो अभी हमने देखा कि लास्ट 2 दिन में बराबर आ गया है, वो जो नॉर्मल प्राइस होने चाहिए थे फिजिकल के और एनसीडीएक्स के वो अभी लास्ट 2 दिन में बिल्कुल इक्वल लगभग समान हो गए। अब अगर मैं बात करूं एंट्री लेवल की कि फ्रेश एंट्री लेवल इसमें क्या होने चाहिए, तो ग्वार सीड के लिए मेरे को लगता है कि 5500-5400 रुपए के जो भाव है वो बहुत बढ़िया भाव है, वहां पे अगर प्राइस अपने को मिलता है तो ट्रेडर्स को वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और नीचे में अगर स्टॉप लॉस की बात करूं क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो स्टॉप लॉस को खासतौर से ध्यान में रखना चाहिए, 5300 रुपए का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और जो है पोजिशनल टारगेट वापस मेरे जो रहेंगे 6500-7000 रुपए तक के रहेंगे। 5500-5400 में खरीदें, 5300 क्लोजिंग पे एसएल लगाएं और 6500-7000 के टारगेट। अब बात कर लेते हैं ग्वारगम की, तो ग्वारगम पे मेरे को लगता है कि 9000 से लेके 8800 तक के जो लेवल है वो बहुत बढ़िया भाव है,
वहां पर अगर ग्वार का मिलता है तो ट्रेडर्स को इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से या पोजिशनल के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 8500 रुपए का मेरा एक स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेस का, 8500 के नीचे अगर क्लोज होता है तो इसमें एग्जिट मारें, वापस ऊपर आता है तो उसमें वापस फिर से एंट्री भी बना सकते हैं। और ग्वारगम के जो मेरे टारगेट हैं वो 10500 से लेके 10800 का है, 10800 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है या क्लोजिंग देता है तो इसमें मेरा पोजिशनल टारगेट वही सेम है जो कि अपन ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, 14000 से लेके 14500। तो जो मेन फोकस है 9800 पे खरीदें, 8500 का स्टॉप लॉस है, 10800 का पहला टारगेट, 10800 के ऊपर सस्टेन या क्लोज पे 14 से 14500 का टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जो है मूवमेंट काफी तेज है और ऊपरी भाव पे खरीदारी से बचना चाहिए, कहीं ना कहीं जो डिप्स मिलता है वहां पे हमें बाय करके चलना चाहिए। ओवरऑल जो है चार्ट इसका वारशीट ग्वालम का स्ट्रॉन्ग रहेगा, ओवरऑल इसमें बाय साइड के ही ट्रेड लेके चलना चाहिए। जी सर जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करें, बिना उसके जैसे गाड़ी में ब्रेक नहीं हो और गाड़ी चलाते रहो कि गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन ब्रेक नहीं है तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और इसी पर मैं, क्योंकि दिनेश जी इस पर बहुत अच्छी व्याख्या देते हैं हमेशा स्टॉप लॉस के बारे में, तो दिनेश जी आपसे अनुरोध है कि इन्होंने कहा अमित बाबू ने कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आप इसकी व्याख्या कर दीजिए क्यों लगाना चाहिए। हर चीज में आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ये हमेशा मेंटेन होना चाहिए। दुनिया में जितने भी लोग ने पैसा बनाया है, जो भी लोग अमीर हुए हैं, उसमें एक मुख्य कारण ये रहा है कि उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा उन्होंने मेंटेन किया है। किसी भी व्यापार में, किसी भी धंधे में अगर एक रुपए के रिस्क पर चार रुपए का मुनाफा है तो वो लोगों ने पहले काम किया है, और जिन्होंने जहां पर देखा है कि जाने में चार रुपया और आने में एक रुपया है, उस हमेशा उस धंधे में हमेशा नुकसान ही हुआ है। स्टॉप लॉस के बजाय और स्टॉप लॉस के साथ में मैं यूं कहूंगा कि आपने रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखना चाहिए। अगर 9000 के गम में बढ़ने में 4000 है और घटने में 1000 है तो एक बढ़िया सौदा आप किया जा सकता है। 5500-5600 की ग्वार में अगर जाने में 300 में आने में 1000 रुपया है तो 1:3 का रेशियो है। यू रेशियो जरूर फॉलो करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एक सौदा ही आपका 3 गुना प्रॉफिट करा के देगा। ये मैं व्याख्या करना चाहूंगा जी। मनोज जी आपसे अब सवाल है कि ग्वार में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या गम में इन्वेस्ट करें अथवा दोनों के मिक्स प्रोडक्ट गमारेक्स में जाएं, सबसे सुरक्षित और सबसे बेस्ट क्या चीज हो सकती है? किसी को अगर केवल एक कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है तो ग्वार सीड जो है वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा, लेकिन ग्वार सीड और ग्वार गम अगर दोनों में करना है तो फिर ग्वारेक्स जो है वो एक जो है वहां पे चॉइस हो सकती है, क्योंकि ग्वारेक्स में जो अंडरलाइंग है वो ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों होते हैं, तो अगर दोनों ही कमोडिटी में जाना है तो फिर ग्वारेक्स जो है वो एक अच्छा विकल्प यहाँ पे देखने को मिलेगा। जहाँ तक लेवल्स की बात है तो अगर ग्वार सीड की मैं बात करूँ तो 5550 जैसा कि मैंने पहले भी बताया था वो लेवल खरीदारी के लिहाज से अच्छे होंगे। 5100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मेरे यहाँ 6400 के रहेंगे और थोड़ी सी लंबी अवधि की अगर बात करें तो 7000 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। वहीं ग्वार गम में 8800 के लेवल जो है वो बाइंग के रहेंगे, 8200 का एक स्टॉप लॉस, पहला लक्ष्य 10400, उसके ऊपर कीमतें बनी रही तो फिर 11700 ये रहेंगे लक्ष्य जी। निखिल भाई आपसे वापस एक सवाल है कि जैसे मनोज जी ने कहा कि ग्वार सीड बेटर है, अब मैं भी आपसे वापस वही सवाल रिपीट करता हूं कि ग्वार सीड में पैसा लगाना चाहिए, गमार गम में लगाना चाहिए, या दोनों में लगाना चाहिए, या क्या करना चाहिए वर्तमान कंडीशन में? केवल नए मार्केटिंग ईयर की बात हम अगले महीने करेंगे, अक्टूबर में, सॉरी उसके बाद वाले महीने में। निखिल भाई आपकी आवाज नहीं आई है।
शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप तब तक उसको जरा चेक करिए। और मैं इस बीच दिनेश जी से सवाल पूछ देता हूं कि दिनेश जी आप क्या कहेंगे, कौन से प्रोडक्ट में पैसा लगाना चाहिए, गमार में, गमार गम में, या गमार एक्स में, या तीनों में, या दो में? जी कमल जी, मौजूदा हालात में ये कहूंगा कि ग्वार स्ट्रांग लगती है, ग्वार 5700-5800 की रेंज में मुझे लगता है यहाँ पर लेना ज्यादा सेफ और सिक्योर लगता है कंपेरेटिवली ग्वार गम के। ग्वार सीड 5700 की लेने में मुझे लगता है कि ज्यादा रिस्क नहीं रहनी चाहिए, बेटर लेवल है, अच्छे लेवल्स है, और यहाँ से रिट्रेसमेंट करके 6400-6500 तुरंत बन सकती है। एज प्रेजेंट ग्वार सेफर है, लेकिन अगर 92 आता है तब गम सेफर हो जाएगा। तो लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करने में ज्यादा मजा है, जबकि कमोडिटी का सिलेक्शन ना करें, यहाँ पर लेवल्स बनती है, वहां पर निवेश करें। जी निखिल भाई, शायद जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई होगी, आपका क्या व्यू रहेगा? आपकी वॉइस नहीं पहुंच रही है निखिल भाई, जबकि आप मतलब अनम्यूट है, आप बोल रहे हैं, तो एक मिनट आप ट्राई कीजिए निखिल भाई एक बार फिर से। नहीं आ रही है वॉइस शायद, या फोन में तो आपने म्यूट नहीं कर रखा है, क्योंकि यहाँ तो मुझे देखिए टेक्निकल में दिख रहा है कि आप को होस्ट हैं, आप बोलते हैं तो आपकी वॉइस हम तक आ सकती है, अभी आपने बोला ही था हमारे साथ। शायद कोई टेक्निकल खैर प्रॉब्लम है। अमित जी आप क्या कहोगे कि कौन से प्रोडक्ट की ओर जाना चाहिए व्यक्ति को, जो सेफ हो, अच्छा रिटर्न दे और सुरक्षित हो बिल्कुल इस भागम भाग के दौर में? जी कमल जी, मैं पहला नंबर दूंगा ग्वार सीड को और दूसरा नंबर दूंगा ग्वार गम को, क्योंकि ग्वार सीड का मूवमेंट अभी जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा ग्वार गम के कंपेरिजन में स्लो है, और ग्वार गम का जो मूवमेंट है वो ग्वार सीड के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। तो जो सेफ्टी अगर अपने को लेके चलना है तो मैं ग्वार सीड का पहला प्रेफरेंस दूंगा, 5500 के आसपास अगर ये मिलता है तो इसमें जरूर खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा नंबर ग्वार गम का रहेगा, 9000 से 8800 के बीच अगर मिलता है तो ग्वार। जी कमल जी, अमित जी अभी अंकित खंडेलवाल जी ने पूछा है कि सर ये जो लेवल है वो सितंबर महीने के लिए देखने है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्लीज बताएं। जी सितंबर मंथ के लेवल है सर, करंट मंथ सितंबर महीने के लिए। दिनेश जी आपने जो लेवल बताया वो किस महीने के लिए थे? मैं एक बात बता दूं कमल जी की, सबसे बढ़िया बात जो ग्वार सीड में है कि बदले ऑलमोस्ट जीरो है, तो बेटर है आप अक्टूबर निवेश करो तो बहुत ही बढ़िया होगा। मुझे तो ये लगता है कि ये साल भर बदले जो उल्टे चलते रहेंगे तो जो निवेशक रहेंगे उनको ये नेट प्रॉफिट तो यही बनता रहेगा कि हर बार सस्ते में मिलते रहेगी ग्वार। जी मनोज जी आपने जो लेवल बताया वो कौन से महीने के लिए है? बिल्कुल मैं भी दिनेश जी से सहमत हूं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो बदले हैं वो नहीं के बराबर हैं, तो अगर किसी को थोड़े लंबे समय के लिए लेना है तो सितंबर के बजाय अक्टूबर में जा सकता है, तो फिर वहां पे कैरी फॉरवर्ड का कॉस्ट भी बचेगा। चांडक जी आपसे सवाल है कि लोगों ने पूछा कि चांडक जी हाजिर में अगर गंवार सीड खरीदना हो, हाजिर बाजार में मंडी में, तो किस भाव पर खरीद करनी चाहिए? हाजिर बाजार में गवार खरीदना हो मंडी में जाकर के, तो किस भाव पे खरीदे? मौजूदा भाव में गवार खरीदना चाहिए, 500 की हार मान के एक साल में डबल। मैं ज्यादा गवार को पसंद करता हूँ, गवार प्रोडक्ट है, कम बाई प्रोडक्ट है। नहीं नहीं वो ये पूछ रहे हैं लोग कि गवार सीड, तो गम के लिए नहीं पूछ रहे कि गवार सीड किस भाव पर मंडी में खरीदे, मंडी के हिसाब से बताओ। मौजूदा भाव में खरीदना चाहिए, 6000 की 500 की हार मान। सर मौजूदा भाव के लिए बात है, कहीं पर 12000 है, कहीं पर 8000 है, कहीं पे 6500 है, कहीं पे 6400 है, किस भाव पे ले मंडी में जाएं तब? ये गलत भाव है, 5500 से 6000 के बीच में खरीदे हैं 500 की हार मान के, और ये जो भाव उग चुके हैं ये 8000, 9000, 10000, ये बिल्कुल गलत है। जी। अच्छा एक चीज बताइए चांडक जी, अब बारिश हो जाए तो क्या फर्क आएगा? यह संदीप जी ने प्रश्न पूछा है। ये सटोरियों की प्रवृत्ति है, सिर्फ मनोवृत्ति है, कुछ नहीं फर्क पड़ना है, तो विजयी है,
उसमें जरूर 5-10% फायदा हो जाएगा, नहीं बिजान कोई कुछ नहीं होगा। जो पहले बिजान किया हुआ है उसमें 10% फायदा हो जाएगा, नया बिजान होगा नहीं। बाकी ये लोग जो सुटोई हवा उड़ा रहे हैं, भाई बारिश होगी इससे फायदा हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बारिश से आपको नया बिजान होना नहीं है। जो पहले बिजान है उसमें जरूर उसको फसल को जीवनदान मिल सकता है। जी, देवीलाल जैन जी ने प्रश्न पूछा कि क्या एक्सपोर्ट की डिमांड है। देखिए देवीलाल जी, मैंने शुरू में अपनी बात में रखा था कि 15,000 टन लगभग जो है गमार सीड सॉरी गमार गम एक्सपोर्ट हो सकता है, और सितंबर महीने में 17,000 टन, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर भाव बेहिसाब बढ़ते रहे तो यह निश्चित मान लीजिए कि इन 2 महीने का एक्सपोर्ट भी नीचे आएगा, क्योंकि फॉरनर कंपनियों को यह नहीं है लालसा कि वो मिलेगा ही नहीं, वे हमसे ज्यादा आकलन रखते हैं कितना माल हिंदुस्तान में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, क्या पोजीशन हो सकती है फसल की पोजीशन। वे भी हमारी तरह, उनकी एजेंसियां भी सर्वे करती है, और ऐसा नहीं है जो दौर हमने 2011-12 में देखा था उस तरह का दौर इसलिए नहीं है कि चीन ने कई सिंथेटिक प्रोडक्ट ऐसे बना दिए हैं जो एक थिकनर के रूप में काम करते हैं, और जब तक पॉल्यूशन को लेकर के अमेरिकन सरकार कोई कड़े कदम नहीं उठाती है तब तक वे सिल्क वाटर को और दूसरे प्रोडक्ट को बेहिचक यूज करते रहेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने जरूर पॉल्यूशन कंट्रोल्स लगाए और तब उनको ऐसे सिंथेटिक प्रोडक्ट छोड़ करके गंवार गम में आना पड़ा था, और हमने देखा था कि गंवार गम का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से बहुत अच्छा हुआ। रीजनेबल प्राइस रहते हैं तो एक्सपोर्ट निरंतर बढ़ता है, और जब प्राइस में एक एक घंटे में 1,000 रुपए की गड़बड़ होती है तो ये निश्चित मान लीजिए कि वो पूरी इंडस्ट्री के लिए घातक है। हमने देखा जोधपुर हो, बीकानेर हो, या राजस्थान के अन्य हिस्से, हरियाणा के हिस्से, गुजरात में आप देख लीजिए कितनी फैक्ट्रियां थी, कितने लाखों लोगों को काम मिला हुआ था। आज उन फैक्ट्रियों की संख्या उंगलियों के गिनने लायक हो गई है, बंद पड़ी है पूरी फैक्ट्रियां जोधपुर में अधिकतर। उन फैक्ट्रियों में कोई उत्पादन नहीं है, उनकी फिक्स कॉस्ट लग रही है, वे उम्मीद में कि फैक्ट्रियां चले, अगर काम चलेगा प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा, रीजनेबल ढंग से बढ़ेगा, डिमांड के अनुसार बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हम इस इंडस्ट्री को लेकर के फिर एक बड़े स्तर पे खड़े हो सकते हैं। नहीं तो जो आज जो हालात है, हो सकता है इनसे खराब हालात के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हालात खराब होंगे, लेकिन किसी भी शंका कुशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। निखिल भाई, आपका अगर अब स्पीकर काम कर रहा हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि गंवार गम या गंवार सीड या दोनों किस में निवेश करें शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि 30 सितंबर को करंट मार्केटिंग ईयर समाप्त हो जाएगा। मौसम की तेजी बदली पूरी, मेरी आवाज आ रही है कमल जी? अब आ रही है, आ रही है। जब मौसम की तेजी बदली का दौर खत्म हो जा रहा है, अब डिमांड सप्लाई की तेजी बदली चालू होगी। अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से तेजी आ रही है तो गम बेटर रहेगा, क्योंकि गम का रेशियो 3 सालों से दबा हुआ है, गम गुवार का रेशियो, तो रेशियो ठीक होगा तभी ठोस तेजी आगे आएगी। तो पहले गम में निवेश करना चाहिए सबसे पहले, अब इन जोन से प्रायोरिटी जहां डीप में गम मिले वही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। गुवार एक्स के बारे में क्या एक अच्छी उम्मीद थी, लेकिन इतना वॉल्यूम और वो नहीं है पार्टिसिपेंट, तो जब तक इसमें वॉल्यूम और पार्टिसिपेंट न बने तब तक के लिए ये इस पर सोचा नहीं जा सकता। गुवार सीड बाद में पहले गम भी लेना चाहिए, क्योंकि गम में मूव अच्छी आ सकती है आगे। जी धन्यवाद निखिल भाई। मनोज जी एक प्रश्न है ओम प्रकाश जी का गंगानगर से कि क्या इस साल की सबसे हॉट कमोडिटी गंवार गम रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जो क्रॉप के पहले जो एक मोमेंटम बना है तो ये पूरे साल जो है इसमें वॉलेटिलिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी और काफ़ी ट्रेड भी जो है देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि ये साल में जो दोनों कमोडिटी है, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो, वो इस साल के लिए जो है हॉट कमोडिटी हो सकती है। जी दिनेश जी एक सवाल है, इस पे नाम नहीं लिखा है, उनके मोबाइल का नाम आ रहा है वीवो, उन्होंने ये पूछा है कि गंवार फ्यूचर में कौन से भाव में बिक सकता है, कौन सा भाव आपको अधिकतम दिखता है?
जी मैंने जैसे बताया कि अगर 6900 के ऊपर क्लोज करता है तो 8800 तक का इसका हाईएस्ट रेट बन सकता है ग्वार सीड का। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और सारी मैक्सिमम कमोडिटीज हमने देखा सोयाबीन 4000 की 10000 के ऊपर बिकी है, डेढ़ गुना हुई है, तो ग्वार सीड ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 लाख की अगर 30 लाख बोरी की हम अगर फसल समझते हैं तो टोटल कॉस्ट उसकी 1800 करोड़ होती है और देश में हमारा बहुत काफी संपन्न है, इतना तो आराम से हजम कर जाएगा। मुझे लगता है ग्वार सीड 8800 बिक सकता है इस साल में, पॉसिबिलिटीज। जी जी अमित जी एक सवाल अब ये भी है, उसमें भी नाम नहीं है किसी का, उन्होंने अपने फोन नंबर को ही डाला कि गमार गम में क्या करना चाहिए, कि क्या गमार गम का ज्यादा भविष्य अच्छा है या गमार सीड में ही फिर रहना चाहिए। अमित जी आप अपने माइक को ऑन करिए, मैंने कर दिया यहाँ से। जी कमल सर, मेरे को लगता है कि ग्वार सीड का भविष्य जो है ग्वारगम के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर हालात सही रहे और मार्केट ने अच्छा सपोर्ट किया तो ग्वार सीड जो है इस साल या अगले सीजन तक 8000 के आसपास भी बिक सकता है। जी सभी का, मैं जिन्होंने प्रश्न पूछे उन सभी का धन्यवाद भी देना चाहूंगा, और ज्यादातर में ये बातें लिखी गई है कि मोलतोल की ओर से आयोजित वेबिनार जो पैनलिस्ट आते हैं वे बहुत निष्पक्ष राय रखते हैं। कन्हैयालाल जी चांडक का भी विशेष धन्यवाद कुछ लोगों ने दिया है कि हमें रंगत का इंतजार इस वेबिनार के बाद, और रंगत जो है बहुत फेमस हुई है, उसी ने शायद गमार सीड और गमार गम को एक अलग रंग में रंग दिया। लोग कह रहे थे कि सोयाबीन भाग रहा है, सरसों भाग रहा है, हल्दी में भी तेजी आ गई, 91 हो गई थी, कुछ कह रहे थे कि भाई दूसरी कमोडिटी जो है वो भी भाग रही है, ये गमार नहीं भागता, ये ठाकुर नहीं चलता है, इस ठाकुर को चलाओ, और ठाकुर जब चला तो सबकी ठकुराई उसने एक साइड में रख दी और लोगों ने शायद पूरे माइंड सेट को चेंज कर लिया, हर कमोडिटी से उनका ध्यान हट गया, ध्यान तो मतलब सरसों से भी हट गया जो कि गुजरात और अगर हम कहें राजस्थान में एक बड़े क्षेत्र की है, और राजस्थान गुजरात के मौसम में और जमीन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जो सीमावर्ती है, तो लोगों ने उसको भी छोड़ा। मनोज जी आप क्या कहेंगे कि क्या हिंदुस्तान पूरा गमार में ही रंग गया? देखिए गाना आया था मैं हूं गमार मुझे दुनिया से है प्यार, और दुनिया भी उससे प्यार करने लग गई, तो आपको क्या लगता है ये बहुत पुराना गाना है, शायद तब गमार इतना नहीं चलता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, पूरा जो मार्केट है वो ग्वारमय हो गया है और ये रहेगा पूरे साल भर, क्योंकि पहले भी जब हमने 2011-12 में जब यहाँ तेजी आते हुए देखी थी तो पूरे साल वहाँ पे रंगत चली थी, और ये शुरुआत हुई है क्रॉप के पहले, तो मेरा मानना है कि ये साल भी जो है पूरे साल ये मोमेंटम रहेगा दोनों कमोडिटी में, और मेरा भी ग्वार सीड में जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है वो 8500 तक का है, और ग्वार गम में मेरा 14000 14500 तक का ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। तो बिल्कुल ये अच्छा साल जो है, पिछले 4-5 साल से जो डस्ट थी वो सारी झड़ेगी इस बार, और अच्छा जो है ट्रेड दोनों ही कमोडिटी में पूरे साल देखने को मिलेगा। जी दिनेश जी मैं हूँ गवार मुझे दुनिया से प्यार, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आपका मैं देखता हूँ कई बार स्टेटस है ना बहुत रोमांटिक होता है आपका। जी मैं अक्टूबर महीने में एक्चुअली जो भी जिनका बर्थ डेट आता है तो रोमांटिक काइंड ऑफ लोग होते हैं नॉर्मली, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि प्यार जो है ये कोई कमोडिटी या कोई क्या कहते हैं उसको नॉन लिविंग थिंग से कभी नहीं करना चाहिए, खास करके जब आपके बीवी और बच्चे हो तो मुझे लगता है लगाव प्यार इश्क मोहब्बत ये सब हमारे परिवार से रखना चाहिए, और कमोडिटीज में व्यापार करके उसमें मुनाफा कमाने की इच्छा रखनी चाहिए। जी कमल जी, अमित जी आप तो मध्य प्रदेश से हैं लेकिन राजस्थान में आके आपको राजस्थान से भी बहुत प्यार हो गया, तो देखिए गम में भी प्यार है लोगों को, गम बढ़ रहा है, वैसे हम लोग कहते हैं निजी जिंदगी में यार गम है ये कम हो जाए तो बहुत अच्छा है, कोई शनि पूजा करा लूं राहु केतु को ठंडा कर दूं, पर यहाँ उल्टा देखते हैं कि लोग कहते हैं गम बढ़ना चाहिए, गम बढ़ेगा तो पैसा आएगा, मतलब तो आप क्या कहोगे कि ये गम से भी क्या प्यार होना चाहिए इस तरह है? जी 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 कमल सर, मैं दिनेश सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें किसी भी जो भी ट्रेडेबल आइटम है उससे प्यार नहीं करना चाहिए, और इसमें अपना ट्रेड बनाएं और मुनाफा बुक करें
वही सबसे बढ़िया रहता है, किसी भी आइटम से हमें प्यार नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग वाले आइटम से। जी 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 धन्यवाद सभी का, और बहुत ही अच्छी एक मीटिंग रही, और मैं इस वेबिनार के मुख्य वक्ता गवार कारोबारी श्री कन्यालाल जी चांडक, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के श्री दिनेश सोमानी जी, पृथ्वी फिनमार्ट के श्री मनोज कुमार जैन जी और जीसीएल के श्री अमित खरे जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी को मेरा धन्यवाद और आभार कि आपने अपना समय निकाल करके और हमारे साथ जुड़े और एक अच्छी बातचीत हुई। अंत में एक हल्की फुल्की और मजा के अंदाज की भी बात हुई, जो पुराना गाना था, शायद उस समय फिल्म निर्माता या गाने लिखने वालों को अंदाज नहीं था कि ये जो है वो एक बहुत प्रमुख प्रचलित हो जाएगा। और एक गाना और था, क्योंकि गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, शायद उसको कारोबारियों ने ले लिया कि इसके भाव बढ़ाने के लिए जीना है, भाव बढ़ाओ, गम उठाने के लिए ऊपर उठाओ, इसको खरीदो। और ये है, खैर इसको हम यहाँ विराम देते हैं, और आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे, और लक्ष्मी सदैव आपके प्रसन्न रहे, आप सुखी और समृद्ध बने, यही हमारी शुभकामना, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।